हम बात कर रहे हैं टाटा केमिकल की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। बड़ी गिरावट आई थी स्टॉक में। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को हम समझते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं लगातार गिरावट स्टॉक में 1020 यानी 1020 तक का फॉल। सपोर्ट लेवल से एक जंप आया, गिरावट आई, अगेन बाउंस बैक किया है। तो इस बाउंस बैक के साथ अपने इस रीसेंट हाई के यानी 1040 के लेवल के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, क्यों ब्रेकआउट दिखा सकता है स्टॉक, क्या रीज़न है इसके पीछे का, तो आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गिरावट आई हमने देखा, 1020 के लेवल से एक जंप आया, अगेन गिरावट आई, तो अपने इस सपोर्ट को यानी 1020 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया। सेम सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, अपने इस सपोर्ट को स्टॉक रीटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। और जब भी स्टॉक रीटेस्ट करके बाउंस बैक करता है तो अपने रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के हाईली चांस बनते हैं। तो इस हिसाब से 1040 का लेवल जो इसका ब्रेकआउट दिखा सकता है। और अब चार्ट पैटर्न पर देखो किस तरह से हमको देखने के लिए मिल रहा है, लगातार स्टॉक में बाइंग देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक में एक जंप आया, गिरावट आई, सपोर्ट लिया 1060 के लेवल पर, अगेन जंप आया, गिरावट आई, तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, 1060 के लेवल से ही बाउंस बैक करता नज़र आ रहा है। तो ये जो लेवल है 1130-1140 का लेवल, इसका रिसेंट लो, सॉरी हमने जब भी 1040 कहा था तो 1130 का जो 40 का जो लेवल है, 30 और 40 का जो लेवल जहाँ से रिजेक्शन दिखाया था, मोटा मोटा 1140 का ही मान कर चलते हैं। तो इस लेवल के ब्रेकआउट के अब चांस बनेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं 1060 के लेवल से सपोर्ट लिया, अपने सपोर्ट लेवल से अगेन बाइंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अब रिजेक्शन कहाँ फेस कर रहा है, 1100 के आसपास। और जब रिजेक्शन फेस किया तो बड़ी बाई गिरावट नहीं दिखा रहा है, स्टॉक का ट्रेंड भी बदल चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड में, अपने हाई के आसपास सस्टेन होने का मतलब ब्रेकआउट। 1080 इमीडिएट सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट 1060 का लेवल, जब तक अब इसके ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए। तो इमीडिएट टारगेट यहाँ से रहेगा 1100 का लेवल, जहाँ से रिजेक्शन फेस किया, जिसके ब्रेकआउट के चांस बने हुए। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 1120, और इस बाउंस बैक के साथ 1140 तक का भी जंप टाटा केमिकल दिखा सकता है। यहाँ तक के भी टारगेट अब हमको टाटा केमिकल में शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।